हेलो एवरीवन, दिस इज़ बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बास ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:15 और कुछ ऐसा मौसम है। देखो रोड बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है रोड पे। और इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं हाईवे से ही, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नैनीताल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, तो ये ब्लॉग होने वाला है मुरादाबाद टू नैनीताल का। आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही होगी क्योंकि मैं माइक बुलाया घर पे। फिलहाल अभी ऑटो का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है मकबरे, वहाँ से गाड़ी उठानी है, देन उसके बाद निकलेंगे हम नैनीताल के लिए। तो बने रहना इस ब्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं भी जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मैं भी नैनीताल नहीं गया हूँ। तो ये मेरा नैनीताल का पहला ब्लॉग होगा। इससे पहले जो नैनीताल का ब्लॉग है वो मेरा सबसे पहला ब्लॉग था, मतलब ब्लॉग नहीं, एक वीडियो कह सकते हो उसको। अभी उतरा हूँ इंदिरा चौक पे और अभी पैदल पैदल जाना है हजीरे में। सामने का व्यू देखो, सुबह का टाइम है, बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा सा है। जॉब वाले जॉब को जा रहे हैं, कॉलेज वाले कॉलेज जा रहे हैं और हम नैनीताल जा रहे हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? सो भाई एक बात और है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो उठने के बाद आपकी आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे फटा हुआ दही, मतलब इतनी भारी आवाज़ हो जाती है। देख सकते हो आप मेरी आवाज़, क्योंकि अभी मैं उठा था। उठने के बाद रेडी होकर नमाज़ पढ़ी और फिर निकला मैं अपने घर से। तो जहाँ पर हम निकल गए हैं मुरादाबाद से, अभी है ताजपुर में, गाड़ी निकाल ली थी मैंने, लेट हो रहे थे इसलिए फटाफट से गाड़ी वाड़ी साफ करके निकल गए थे हम। और अभी गाड़ी में हवा वगैरह चेक करा रहे हैं, शायद इस टायर में पंचर है, तो हमें पहले इसको फिक्स कराएँगे। स्टेपनी है ऑलरेडी, लेकिन इसको फिक्स कराना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमारे 4 लोग हैं, निहाल है ये, हमारे मामू का लड़का, और साथ में इनके फ्रेंड्स हैं, एक वो भाई हैं और एक दो पीछे खड़े हुए हैं, मिलवाएंगे उनसे गाड़ी में। तो अभी इसे फिक्स करा के और फिर निकलेंगे यहाँ से, पेट्रोल भी डलवाना है, देन उसके आगे जाके निकलेंगे टांडे वाले रोड से। स्मॉल ट्रिप है तो प्यार से करेंगे, बहुत सुकून से जाएंगे, कोई हबड़ा दबड़ी जल्दी नहीं है। ताजपुर में सुबह की ठंडी ठंडी वाइब देखो यार यहाँ की। आप साथ गाड़ी में है, इधर है निहाल, पीछे है अलमास रहमान और अमान भाई। बाकी अभी टांडा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर बचा है और रोड कुछ ऐसा है, पीछे बहुत टूटा हुआ रोड था लेकिन अभी बेहतर है रोड और पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, ज़्यादा तेज नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है हमारी। सफ़र का मज़ा लेते हैं और बीच बीच में मिलते रहेंगे, अभी चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे तो बात करेंगे आपसे। वी आर एट द काला डोंगी राइट नाउ और अभी हमने पी है पीछे चाय और वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी, उधर फोकस आउट हो गया था। और इस राइट को एक रास्ता जा रहा है जिधर से हम आए हैं, ये सीधा आई डोंट नो किधर जा रहा है,
और ये वाला रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा नैनीताल को, आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मेन पहाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और अभी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से लगभग 32-30 के आसपास नैनीताल रहेगा। बाकी ये सारी टूरिस्ट कार वगैरह भी जाती हैं यहाँ से। तो अभी चाय वाय पी के हो गया, अब निकल रहे हैं ऊपर के लिए क्योंकि लेट हो गया हम ऑलरेडी बहुत, 11:10 हो रहे हैं यहीं पे। तो ये लौंडे हैं भाई जो साथ में आए हैं हमारे, ये हमारे मामा का लड़का है निहाल, बाकी इनके सबके फ्रेंड हैं। तो भाई हो गया है छोटा सा एक कांड हो गया है भाई के 200 रुपीज जेब में से 200 रुपये निकल गए कहीं, पता नहीं चला कहाँ निकल गए। कोई बात नहीं, 200 रुपये की बात है। बाकी अभी जाएंगे ऊपर और 2-3 पॉइंट पर रुकेंगे, वहाँ पर फोटो वगैरह लेंगे। ऊपर जाएंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया व्यूज आएंगे, वहाँ पर रुक के थोड़ी देर और फोटो क्लिक करेंगे। वो फोटो अगर आपको देखना तो इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी नीचे। सो बस चलते हैं क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे तो लेट हो जाएंगे बहुत। बाकी सारे नज़ारे दिखाते हैं नैनीताल जाके। भाई देख लो नज़ारा पीछे, और ऐसा कुछ नज़ारा है, अभी इधर से सनलाइट आ रही है। और ये यार क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब नैनीताल की तो वाइब ही अलग है। जैसे लद्दाख शिमला की वाइब अलग है ना, ऐसे ही नैनीताल की वाइब अलग है। और शानदार व्यू है माशाल्लाह। और भाई बैठे हैं देखो यहाँ पे, कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है गहराई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सब बैठ सकते हैं यहाँ पे। और भाई की हालत थोड़ी सी नाजुक हो गई, वो असल में पहाड़ों पे आते हैं तो थोड़ी सी माउंटेन सिकनेस होती है, थोड़ा सा दिमाग घूमता, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी थोड़ा सा ऊपर आया, लगभग 20 किलोमीटर ऊपर नैनीताल है। अभी ये कुछ व्यू है देखो यहाँ, ये सब नीचे खेती हो रही है सब सामने, ये सब खेती का एरिया है। और भाई रोड बहुत शानदार कर दिए, पहले से बहुत बढ़िया रोड कर दिए, जैसे रोड पहले थे लेकिन उसके मुकाबले अब बहुत बढ़िया रोड कर दिए यहाँ पे, मतलब चौड़े भी कर दिए हैं और गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आराम से अपना 30-40, 30-40, 50 भी अपना चला सकते हो आप गाड़ी। और सामने का व्यू देखो, बाइक्स खड़ी हैं, लग रहा है कुछ है ही नहीं आगे, भाई गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ चल रहा है फोटो शूट। सोच रहे हैं कि यहाँ पे इसमें कैंटीन में मैगी वैगी बनवा लें कुछ। डिग्गी खुली हुई है भाई, बंद कर दूँ? नहीं, सीढ़ियों को नहीं, ऊपर तो घर है वहाँ किसी का, घर है सीढ़ियों पे जाएगा क्या। कुछ खाना पीना हो तो खा लो, कैंटीन है भाई। भाई ये है कैंटीन, ब्रेकफास्ट डिनर वहाँ गोदावरी रेस्टोरेंट, यहाँ सब कुछ मिलेगा। और आज ज़्यादा गाड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि आज संडे भी है, आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि माइक में घर भूल आया। भाई यहाँ देखो ये भी पॉइंट है यार, लुक एट द व्यू भाई, खिंचवा लिए फोटो वोटो और अब निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत सारे फोटो खिंचवाए। पोजिंग अब भी चल रही है बरकरार। चलो जाओ, जा रहे हैं।
छोड़ दो इनको, चलो चलना है। अभी पार करा है मंगोल और अब यहाँ से 14 किलोमीटर बचा है नैनीताल। मोड़ बहुत शार्प है इसलिए बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। चीज दिखा दूं अभी हमें देखी, ये देखो यार व्यू देखो यार, सामने से सनलाइट आ रही है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यार बहुत शानदार व्यू है। देखो नीचे भैंसे भी पल रही हैं यहाँ पे, ये सब खेती का एरिया है सारा। ये व्यू बढ़िया लगा इसलिए यहाँ पे रुके थे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। पीछे जहाँ रुके थे वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी इसलिए हम यहाँ पे रुके। जब आए हैं तो सारी चीज़ों का मज़ा लेकर जाएंगे यार। ये देखो व्यू भाई, ये है देखो पहाड़ियों, देखो गाय कहाँ चढ़ी हुई है और नीचे खड़ी हुई है गाड़ी है। ऑसम व्यू है यार, ऑसम व्यू है। तो भाई आ चुके हैं नैनीताल में, अभी गाड़ी खड़ी करी है पार्किंग में। नीचे जो बड़ी वाली पार्किंग थी ईदगाह वाली, वहाँ पर जगह नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे चल रहा है मैच आज, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आए हम। तो यहाँ से लगभग वहाँ से 100 मीटर ऊपर है और ये वाली पार्किंग है, यहाँ मतलब अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई है। 100 रुपये की पार्किंग है ये, काफ़ी बड़ी पार्किंग है और यहाँ पे ये भी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से। तो अभी का प्लान ऐसा है कुछ कि बोट में भी बैठना है, बोट में पूरी। तो अभी सोच रहे हैं कि पहले खाना खा लें या फिर पहले बोट में हो लें। उसके लिए जाना पड़ेगा नीचे, तो नीचे तो जाना पड़ेगा ही। मॉल रोड जाएंगे, घूम कर आएंगे, आगे नहीं खुल रही है क्योंकि चौंध बहुत तगड़ी पड़ रही है, सूरज बहुत तेज़ है। अच्छा यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि अगर धूप में खड़े हो गए तो गर्मी लगेगी और अगर छाँव में खड़े हो गए तो सर्दी लगेगी। हालाँकि मैंने सिर्फ ये गरम शर्ट पहनी हुई है, अंदर एक इनर पहना हुआ है हल्का सा, तो कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही और ना ही कुछ ज़्यादा ठंड लग रही। भाई मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ कितना शानदार आ रहा है इधर का। ये है वो रोड जहाँ से हम आए हैं और देखो वो सामने वहाँ दिखाई दे रही होगी आपको झील, तो अभी पैदल पैदल जाना पड़ेगा वहाँ पर क्योंकि वहीं झील के बाजू में ये माल रोड, तो अभी उधर जाना है और सीधा सीधा सा रास्ता है ये, नीचे से ऐसे होकर इधर जा रहा है। ये खड़े हैं लोंडे फुल तैयारी में। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है कार रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, हमने सोचा कि नीचे जाने से पहले हम अपना लंच कर लें, तो हमने कार में ही लंच किया। सारे के सारे लोग अपना लंच लेकर आए हुए थे, तो हमने बैठ के आपस में साथ में लंच किया यहाँ पर। माशाल्लाह ये है नैनीताल की जामा मस्जिद। लंच करने के बाद मैं सीधा चला गया था जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, 2:15 में यहाँ पर नमाज खड़ी हो जाती है, तो मैंने जमात के साथ नमाज अदा की। यह है नैनीताल की पार्किंग, यहाँ पर चल रहा था मैच इसलिए हमें पार्किंग यहाँ नहीं मिल पाई। हम गए सीधा ऊपर पार्किंग के लिए और नैनीताल की जामा मस्जिद इतने खूबसूरत है बाहर से भी और ऐसे ही अंदर से। सो भाई मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो इतने ही सारे लोग जा चुके थे झील के पास, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ झील के पास। फ़िलहाल मैं माल रोड पर चल रहा हूँ अभी, तो काफ़ी सारा रश है यहाँ पर आज, क्योंकि आज है संडे, तो
ये है ऊपर होटल से सारे बने हुए। ये मेन मेन रोड जो यही है जो माल रोड कहलाता है। बोटिंग वगैरह सब इधर होती है और फॉरनर्स भी आए हुए हैं आज और रहते ही हैं यहाँ पे। वैसे आज संडे है तो ज़्यादा चांस है इनके मिलने के। ये पूरी मार्केट ऐसी रहती है। वो बैठ गए जी बोट में और दूसरी पार्टी कहाँ गई वो बैठ रहे हैं वहाँ पे। तो एक गाड़ी वहाँ से निकलेगी और एक गाड़ी यहाँ से निकलेगी। चलो 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 दूसरी पार्टी ने दिखाई दे रही वो आएगी जी हमारी दूसरी पार्टी रोक देंगे भैया ये बिना नहीं ले जाएंगे। भाई अभी हैं हम नैनीताल लेक में और देखो भाई चला रहे हैं बोट। दोनों साइड से चप्पू चल रहे हैं। एक बोट वो है इसमें निहाल और दो जने और हैं क्योंकि एक बोट में तीन ही लोग अलाव हैं इसलिए तीन उधर हैं दो इधर हैं। अभी बैठे हैं चाय पीने की घूम घूम के थक गए पूरा माल रोड छान मारा। थोड़ी सी शॉपिंग करी है इधर ही शॉल वगैरह की और अभी चाय पियेंगे। ये यहीं से माल रोड स्टार्ट हो रहा है और ये सीधा इधर जा रहा है सामने लेक आ गई और यहाँ पर चाय। ये है जी देखो धोखा हो रहा है देखो कॉफी के कप में चाय ये जिंदा धोखा है। ये हम अभी बिल्कुल मेन मार्केट में नैनीताल की और ये सामने देखो सारी ये खाने की दुकानें तो खुली हुई हैं बाकी ये वाली सारी दुकानें बंद हैं पता नहीं क्यों आज। और वो देखो जी व्यू ऊपर का यहाँ पर छोटे छोटे से खिलौने हैं। लौंडे इधर गए मार्केट में कुछ सामान लेने। ये है कुछ मेन मार्केट इधर की मार्केट बंद है आज संडे आई डोंट नो क्यों बंद है। ये देवी मंदिर है और वो वहाँ खड़े हुए हैं सारे कुछ खरीद रहे हैं। सो मुझे कुछ लेना नहीं है क्योंकि जो लेना था हमने मॉल रोड से ले लिया है बाकी वहाँ चाय पीकर अभी वहाँ से निकल कर आए हैं। अब सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलें पार्किंग पहुँचें फटाफट गाड़ी निकाल के फिर निकलते हैं यहाँ से क्योंकि टाइम हो जाएगा ज़्यादा और इस टाइम 4 बजने वाले हैं। तो सोच रहे हैं कि 5 बजे से पहले निकल जाएँ यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट में बताएं कैसा लगा आज का व्लॉग और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़।